मैं तो अपने कमरे में था, मुझे पता चला रिजल्ट आया, मैं खोल के देखने ही वाला था, इतने में सचिन मेरे पास आया और उसने जंप लिया एकदम से कि अब अपन दोनों का हो गया है। तो बोले मेरी 109 है, तेरी 222 है, तो सर, मैं वो थोड़ा बहुत सा जानना चाहूंगा कि आरबीआई जैसी जो हमारी देश की सेंट्रल बैंक है, उसमें काम करते हुए जॉब के साथ में तैयारी करना, देन सिलेक्शन लेना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो किससे कैसे मैनेज करते थे सारी रोल चीजों को? रहता है सिविल सर्विस, ये 3-4 साल की बात नहीं होती। इसमें क्या होता है, जो आप जितने भी लोगों से मिले हो, कौन से किसने आपको क्या इन्फ्लुएंस कर दिया आपको नहीं पता है। तो रोल तो डेफिनेटली, जब उससे मैं रोज मिल रहा हूँ तो रोल उसका रहता ही है, जब जिनसे मैं एक बार मिला हूँ उनका रोल है, तो जिससे मैं रोज मिलता हूँ उसका तो रोल रहता ही है। और मैं समझता हूँ इंटरव्यू में ऐसे आपके नंबर जो हुए हैं, अगर कुछ 2-4-5 नंबर भी फर्क पड़ जाता है तो बहुत बड़ी बात है ना। ये आराम था। तो देखिए सर्विस मेंस में में पहली बात तो सबसे बड़ा थंब रूल है सिलेबस रटा होना चाहिए, दूसरा किताबें तो पढ़ी होनी चाहिए, तीसरा ये कि हर टॉपिक के बारे में 250 से 300 वर्ड होने चाहिए। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अपने हर इंटरव्यू में, इस बात को मैं देता हूँ कि 250 से 300 वर्ड होने चाहिए हर नमस्कार टॉपिक दोस्तों, के। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जब से रिजल्ट आया है यूपीएससी सीएससी 2023-24 का, तब से हम बराबर लगातार इंटरव्यूज कर रहे हैं टॉपर्स के। और इसी सिलसिले में हमारे साथ में सर हैं समीर गोयल सर, जिनका इस बार 222वीं रैंक आई है। और सर से बात करेंगे उनकी स्ट्रेटजी और उनकी जर्नी के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मंगेश जी, आपने आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, और अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके चैनल से जुड़ के, धन्यवाद। जी थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले जो जनरल सा ही सवाल होता है, लेकिन ये सवाल ही कुछ ऐसा होता है कि अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि एक इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के बाद थोड़ा सा जो जिस चीज की हमें ख्वाहिश होती है और वो मिल जाता है, तो कैसा लग रहा है आपको अभी फिलहाल? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत दिन हो गए रिजल्ट को, आज हम बैठे हैं तो आज 13 तारीख है और जी रिजल्ट आया था 16 अप्रैल को 16 और हम अप्रैल 13 मई को बैठे हैं, जी लेकिन अभी तक ये सिलसिला जारी जारी है। लोगों के बधाइयाँ आ रही हैं, लोगों के फिर संदेश आ रहे हैं, प्रेस वाले से बात हो रही है, आप जैसे यूट्यूबर्स हैं उनसे बात हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कल ही रिजल्ट आया था, अभी तक ऐसा लग ही नहीं रहा कि रिजल्ट को समय हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मतलब जो प्रोसेस है सेलिब्रेशन की, वो लगातार चल ही रही है अभी। सेलिब्रेशन की प्रोसेस चल रही है हर जगह, जी कहीं ना कहीं से बताइए ऐसे आ रही हैं, जी लेकिन जी सही मायने में फिर अब ऐसा है कि सेलिब्रेशन तो अच्छा है, मेहनत बहुत करी तो उसका सेलिब्रेशन भी है, बिल्कुल लेकिन सही एट द सेम टाइम ये है कि बहुत हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ है। सबसे बड़ी बात ये होती जी है, जी कहीं भी ऐसा सेलिब्रेशन में ऐसा नहीं लगा कि बहुत कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बट हाँ लोगों के बस एक कंग्रेचुलेशन है, किसी ने कोई चने के झाड़ पे नहीं झड़ाया कि भैया ये कर लिया वो कर लिया, सबके बहुत ही एक सोबर से मैसेजेस हैं, कोई भी वो नहीं है ओवर द टॉप। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं थोड़ा सा उस रिजल्ट वाले दिन जो मोमेंट था वो थोड़ा सा जानना चाहूंगा इन ब्रीफ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेटजी और बाकी सारी चीजों का। तो वो जब रिजल्ट आया था वो कैसा मोमेंट था? और हाँ मैं बताना भूल गया, सर और सर के छोटे भाई दोनों एक साथ सिलेक्ट हुए हैं। एक साथ सर का, इन सर के जो छोटे भाई हैं उनका भी इंटरव्यू आएगा इस वीडियो के बाद में। अभी फिलहाल सर के साथ में बात करते हैं। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है एक ही परिवार से, है ना, सगे दो भाइयों का सिलेक्शन होना, और वो जो खुशी और वो सेलिब्रेशन होता है वो बहुत डबल हो जाता है सर। तो वो मूवमेंट जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके भाई ने भी आपके साथ में इंटरव्यू दिया था, साथ में सारी चीजें चली थी, तो वो क्या मूवमेंट था जब दोनों लिस्ट में दोनों का नाम था? बहुत ही अच्छा मोमेंट था, इनफैक्ट सचिन ने मेरे को बताया था, जी मैं तो अपने कमरे में था, मुझे पता चला रिजल्ट आया, मैं खोल के देखने ही वाला था, इतने में सचिन मेरे पास आया और उसने जंप लिया एकदम से कि अब अपन दोनों का हो गया है, तो बोले मेरी 109 है, तेरी 222 है, तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था। फिर मम्मी पापा भी इस कमरे से निकले, उनको भी पता चला, दादी को बताया, बहुत ही बड़ा मोमेंट था। और एक ही परिवार से दो लोगों का हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और अगर एक का भी नहीं होता तो दुख होता। सर एक्चुअली दो लोगों का हो जाना और एक साथ हो जाना। एक साथ हो जाने की बात कर रहा हूँ मैं, एक हाँ साथ हो जाना ही बड़ी बात बिल्कुल होती है, ऐसे तो कई एग्जांपल होते हैं कि हाँ परिवार में ऐसे लोगों ने सही निकाला बात है, बट एक ही साथ सिलेक्शन और एक ही ऐसी रैंक है और एक नंबर का फर्क था बस, बिल्कुल उनके बिल्कुल 974 मार्क्स से मेरे 973 है, अरे वाह तो अब ये एक नंबर का फर्क, 7 तैयारी करना, 7 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, सेम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इंटरव्यू में मेरा 12 मार्च को था, उनका 19 मार्च 18 मार्च को था, अच्छा तो सबको साथ साथ प्रोसेस हुआ और एकदम साथ रिजल्ट आके सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है, और तभी सेलिब्रेशन ज्यादा चल रहे हैं, तो इसका कारण ये डबल भी है। बिल्कुल बिल्कुल डबल खुशी है हाँ बिल्कुल। अच्छा सर मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, स्ट्रेटजी और बाकी सारी चीजों पर आने से पहले, कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह वो सारी चीजें क्या हैं, और वो मतलब जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह रही हैं, और बाकी सारी चीजें आप जॉब वगैरह भी करते थे या नहीं, वो सारी चीजें। देखिए, प्राइमरीली मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ के कैंपियन स्कूल भोपाल से कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैंने यहाँ पे एक UIT RGPU करके कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज है एक, तो उससे मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी करी, उसके बाद से फिर 1 साल मैंने IDBI बैंक में काम किया,
और 2017 से मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कर रहा था एज एन ऑफिसर। मेरी मेरी पोस्टिंग मुंबई में है, नवी मुंबई में है मतलब, तो मैं वहाँ कर रहा था अभी तक। और बस अभी उसी नौकरी के साथ ही मैं तैयारी कर रहा था। मैंने अटेम्प्ट अपने देना चालू किए थे 2018 में, तो 18 में सीरियस अटेम्प्ट नहीं था, फिर 20 में दिया मैंने, फिर 20 से निरंतर दे रहा हूँ, 20, 21, 22, 23। तो मेरा ये 5वां अटेम्प्ट था, दूसरा इंटरव्यू था, 3 मेंस लिख चुका हूँ मैं, लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था मैंने, तो उसमें तो मेरा कुछ नंबरों से रह गया था, तो इस साल फाइनली मुझे सिलेक्शन मिला है। सर को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आरबीआई जैसी जो हमारी देश की सेंट्रल बैंक है उसमें काम करते हुए जॉब के साथ में तैयारी करना देन सिलेक्शन लेना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, तो किससे कैसे मैनेज करते थे सारी चीजों को? देखिए मैनेज तो ऐसा था कि समय तो आपके पास कम ही रहता था, 24 घंटे में से 8 से 9 घंटे नौकरी में चले गए आपके, 2 घंटे आपका मिसलेनियस कामों में चले गया, तो आपके पास 7-8 घंटे बचे आपके पास। अब उसमें क्या है कि आपको 13 घंटे बचे, आप 13-14 घंटे बचे, तो फिर आपको ऐसा है सबसे पहले तो 5-6 घंटे का सोना नहीं है, फिर आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं उसमें आपको पढ़ाई करनी है। मैं कोशिश करता था कि ऑफिस से पहले 1 घंटा पढ़ाई करके जाऊँ, 1.25 घंटा, उसके बाद फिर रात को आके मैं पढ़ाई करूँ बैठ के अपना 2-3 घंटे, फिर खाना खा के फिर मैं पढ़ाई करूँ 2 घंटे। तो ऐसे 5 से 6 घंटे मैं ऑफिस के साथ पढ़ाई करने की कोशिश करता था। वीकेंड्स को मैं बहुत अच्छा यूज़ करता था, वीकेंड्स पर मैं ज़्यादातर टाइम अपना ऑप्शनल पेपर ही पढ़ता था, तो उसमें करीबन मैं 10 से 12 घंटे, 8 से 10 घंटे ऐसे पढ़ लिए। और जब एग्जाम का टाइम आता था तो थोड़ी छुट्टियां ले लेते थे और उसमें फिर अपन 10 से 12 घंटे पढ़ते थे। तो इस तरीके से मतलब जॉब के साथ, देखिए आरबीआई एक प्रतिष्ठित संस्था है और उसमें काम करना अपने आप में सौभाग्य की बात है, और मैं ईश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करने का, इतने लंबे समय काम करने का मौका मिला, और आज भी मैं छोड़ रहा हूँ तो मैं एक अच्छी जगह जाके ही मतलब जा रहा हूँ उसमें। तो बहुत अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस था एक्चुअली कि मैंने आरबीआई जैसा टफ एग्जामिनेशन एज अ 12 रैंक के साथ, मैंने AIR 12 के साथ मैंने क्रैक किया था उस एग्जाम को भी, तो मुझे कॉन्फिडेंस था, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं और बड़े एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस मिलने बहुत काम रहा, और जो मेरे पास समय कम था वो उसकी भरपाई इस कॉन्फिडेंस और इस लोगों के आशीर्वाद ने कर दी, मैं समझता हूँ। सर अभी जैसे सर्विस तो एलोकेट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कौन सी सर्विस मिलने की पॉसिबिलिटी है? देखिए हाँ, IPS IRS में से है, तो IPS मिल जाए, IPS हमला हाँ हो सकता है मिल जाए। अच्छा सर आपने शुरुआत में जब तैयारी शुरू करी थी मुझे लगता है टाइम तो आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा क्या कोचिंग वोचिंग कहीं से ली आपने या सेल्फ स्टडी ही चल रही थी? बहुत साल पहले कोचिंग में थोड़ा बहुत ज्वाइन किया था वो क्लासरूम में बहुत साल पहले, लेकिन जब से 18 से तैयारी कर रहे हैं खुद से ही पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बस इंटरव्यूज के लिए कोचिंग में गए थे मॉक देने, बाकी तो खुद से पढ़ाई की, और टेस्ट सीरीज की थी, टेस्ट सीरीज कुछ कोचिंग्स की मेंस की थी, बाकी और ऐसा कुछ। बाकी दोनों भाई अलग अलग ही तैयारी करते थे क्योंकि आप तो जॉब कर रहे थे। हाँ अलग अलग ही थे, मैं मुंबई में जॉब कर रहा था, वो या भोपाल में पढ़ाई कर रहा था, बट हाँ इंटरव्यू के टाइम बिल्कुल बातचीत होती रहती थी, प्रीलिम्स मेंस के टाइम फोन पे लगातार बने हुए थे, जब मेंस में छुट्टियों में आता था तो फिर बात होती थी, साथ मॉक्स टेस्ट देने जाते थे, मॉक्स को डिस्कस करते थे कितने नंबर आए, कैसे आंसर लिखे, एक दूसरे पेपर्स देखते थे हम दोनों, और फिर इंटरव्यू के साथ में दिल्ली जाना मॉक इंटरव्यू देने, 2 बार इस बार गए थे हम लोग साथ में, तो वहाँ करीबन 10 इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, 10 वो दे रहे हैं, तो मिला के 20 हो जाते हैं, तो मतलब 10 इंटरव्यू क्वेश्चन उनको पता है, 10 के मेरे को पता है, तो हम दोनों ने एक तरीके से 20 इंटरव्यू दे दिए एक तरीके से। और सर मुझे लगता है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है, जब एक तो ये होता है ना पीयर ग्रुप्स होता है, और जब आप साथ में ही हमेशा जब रह रहे हैं साथ में एक दोनों सगे भाई हैं, तो कोई भी चीज को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, और वो बहुत बड़ी बात होती है। ये सही बात बोली बिल्कुल आपने कि पीयर ग्रुप आपको घर में मिल जाए तो फिर उससे ज्यादा क्या चाहिए, और घर पे जो आपको मिलता है तो आप एक ऐसी एडवाइस दे सकते हैं कि आपको लगता है कि सामने बुरा भी नहीं मानेगा, स्पोर्टिंगली लेता है, कभी क्या दोस्तों को आप कुछ बोल देते हैं कि यार तूने आंसर अच्छा नहीं लिखा, तूने इंटरव्यू में अच्छा नहीं बोला, तो वो लगता है यार नेगेटिविटी कर रहा है, बट यहाँ पे एक बहुत ही एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता है, और मैं एक टर्म यूज करता हूँ मेटा कॉम्पिटिशन यानी कॉम्पिटिशन अपने आप से, लेकिन यहाँ पे जब आपका भाई रहता है तो वो मेटा कॉम्पिटिशन में वो भी आ जाता है, मतलब आप उसके साथ भी कम्पीट करते हो बिकॉज आप सेम बैकग्राउंड से आए हो, आपके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो आपको अच्छा ही कंपटीशन मिल जाता है और मोटिवेशन मिल जाता है करने का। सर आपकी फैमिली में रिलेशंस में रिलेटिव्स में कुछ मतलब इस तरह सर्विस में कोई है IAS वगैरह जिन्होंने UPSC पहले से क्रैक किया हो कोई? नहीं देखिए हमारे यहाँ सब गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन इन सेवा में कोई नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में सारी मोस्टली आई थिंक लोग गवर्नमेंट जॉब में ही है, लेकिन हाँ इस सेवा में कोई नहीं है, थोड़ा दूर में मामा मामा है कजन वो है IPS में, लेकिन ऐसा कोई बहुत बहुत ही क्लोज का एकदम इस सेवा में नहीं है। क्या लगता है आपको कि सिलेक्शन लेना आपके जो ये सबसे बड़ा रोल रहा क्या कि दोनों भाई तैयारी कर रहे हैं साथ में प्रीलिम्स दे रहे हैं मेंस दे रहे हैं, क्या सिलेक्शन फाइनलिस्ट में नाम लेना भी नाम लाना ये एक रोल रहा इसका? देखिए हर चीज का रोल रहता है, आप जिससे भी मिलते हो, मैं ऐसा नहीं भाई से मिल रहा हूँ, मैं किसी से भी मिलता हूँ अपने जीवन में, वो सबका रोल रहता है। सिविल सर्विस ये 3-4 साल की बात नहीं होती, इसमें क्या होता है कि जो आप जितने भी लोगों से मिले हो, कौन से किसने आपको क्या इन्फ्लुएंस कर दिया आपको नहीं पता है, तो रोल तो डेफिनेटली जब उससे मैं रोज मिल रहा हूँ तो रोल उसका रहता ही है, जब जिनसे मैं एक बार मिला हूँ उनका रोल है,
तो जिससे मैं रोज मिलता हूँ उसका तो रोल है ही है। और मैं समझता हूँ इंटरव्यू में ऐसे आपके नंबर जो हैं, अगर कुछ दो चार पाँच नंबर भी फर्क पड़ जाता है तो बहुत बड़ी बात है ना, तो सर्विस चेंज हो जाती है, लिस्ट से अंदर बाहर हो जाते हैं, तो बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि यहाँ तो सर एक एक नंबर का खेल रहे हैं, नंबर का खेल है पूरा, रैंक 10-10 ऊपर हो जाते हो हैं। ही गई, मेरा भाई का एक नंबर ज्यादा था, उसकी 13 नंबर 13 रैंक ऊपर में सर, तो हो ही गई वो तो। हाँ अच्छा सर ठीक है, मैं अब ये सारी बातों के बाद में थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा कि आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी किस तरह से रही थी, किस तरह से आपने क्योंकि आपने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, मेंस आप लगातार लिख रहे हैं, तो क्या किस तरह से स्ट्रेटजी थी प्रीलिम्स को क्रैक करने की? देखिए फिल्म्स के लिए सबसे पहली बात तो ये थी सिलेबस अच्छे से पढ़ो, सेकेंडली जो स्टैटिक बुक्स हैं जो आपको कंटेंट स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको अच्छे से रटो, पी थर्डली PYQ अच्छे से देखो आप उनको, चौथा मॉक टेस्ट बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या होता है मॉक टेस्ट से आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन का एक्सपोजर होता है, और एग्जाम में जरूरी नहीं कि क्वेश्चन रिपीट हो बट पेपर करना आ जाता है, और इस बार जो 23 का पेपर था वो ज़्यादा था पेपर करने के तरीके से डिपेंड करता था, नॉलेज तो आपने देखा कितना उसमें यूज़ हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन पेपर करने का तरीका आपको आ जाता है। प्लस ये कि एग्ज़ाम के डे पे आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, और अभी एक नया फैक्टर आ गया CSAT का जिसमें बहुत लोग दिक्कत हो रहा है, बहुत ही तो ज्यादा CSAT में अगर आपको, हाँ CSAT में अगर आपको नहीं बन रहा तो उसका एक ही सलूशन है प्रैक्टिस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर की कृपा से कि मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने RBI के लिए काफी हाई लेवल का क्वांट किया था, तो मेरे तो इस बार भी आती 100+ मार्क्स हैं CSAT में जाता हूँ, मेरे को मैंने अभी अभी आई नहीं क्योंकि मेरा फॉरेस्ट का भी था तो आई नहीं है उसके की मेरे आंसर की, लेकिन 100 से ऊपर मार्क्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप एक बार, और PYQ उसको रिवाइज करना, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और रिविजन तो है, रीड रिवाइज रिकॉल की स्ट्रेटेजी तो है। सर मुझे लगता है क्योंकि स्ट्रेटजी की वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपने क्या अलग किया आपने और जो बाकी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो करते हैं और किसी वजह से रुक जाता है उनका जो रिजल्ट, नहीं फाइनल रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं बना पाते हैं। आपको लगता होगा कि नहीं यार मैंने यहाँ बाकी से अलग कर रहा हूं मैं इस तरह से ताकि मेरा जो लिस्ट में नाम, मैं क्योंकि पहले पता लग जाता है हमको, कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं यार जरूर मेरा लिस्ट में नाम आएगा, तो क्या अलग किया आपने थोड़ा सा वो बताइएगा। देखिए अलग ये था कि मैं कंसिस्टेंट रहा, मैं कुछ एस्पिरेंट्स को जानता हूँ जो जिनकी कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं इस तैयारी से 4 से 5 साल जुड़ा हूँ, हार्डली ऐसा कोई दिन होगा जब मैंने पढ़ाई नहीं करी हो, आई थिंक एक या दो दिन होंगे जब मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे 4-5 दिन के अलावा ऐसा कोई भी दिन नहीं आया जब मैंने पढ़ाई नहीं करी हो, मैंने हर दिन पढ़ाई करी, मैंने जब 2022 का मैं मेंस देकर आया था उसके भी मैंने 1-2 दिन बाद पढ़ाई चालू कर दी थी, इस बार 23 का जो मैंने मेंस दिया उसके भी मैंने 4-5 दिन में पढ़ाई चालू कर दी थी, तो देखिए ये है निरंतरता, क्योंकि जॉब के साथ आपको करना है तो आपको कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा, तो बस मैं समझता हूँ जो मैंने या जितने भी लोगों ने, देखिए मैं कभी ये नहीं कहता कि जिनका नहीं हुआ मुझसे केपेबल नहीं है, हो सकता है कई लोग मुझसे बहुत ज्यादा केपेबल हैं जो लिस्ट में नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझसे ज्यादा केपेबल ना हो फिर भी मुझसे ऊपर रैंक लाए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है मेरा यह था कि जो मुझे अपना एक पॉइंट लगा कि मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी, बस वो अच्छा था। ठीक है सर, सर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आपका जो मेंस की जो स्ट्रेटजी रही वो किस तरह से, क्योंकि आंसर राइटिंग मेन रोल करता है और वही आपकी रैंक बनाता है, क्योंकि जितना ज्यादा स्कोर करेंगे ऑब्वियसली आपकी रैंक अच्छी होगी, तो क्या आपने मेंस में क्या किया, किस तरह से आपने स्ट्रेटजी बनाई, किस तरह से आपका शेड्यूल वगैरह था? देखिए मेंस में पहली बात तो सबसे बड़ा थंब रूल है सिलेबस रटा होना चाहिए, दूसरा किताबें तो पढ़ी होनी चाहिए, तीसरा है कि हर टॉपिक के बारे में 250 से 300 वर्ड होने चाहिए, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अपने हर इंटरव्यू में, इस बात को मैं देता हूँ कि 250 से 300 वर्ड्स होने चाहिए हर टॉपिक के बारे में, तो वो तो सबसे बड़ा थंब रूल पहले है, से प्रिपेयर प्रिपेयर होने चाहिए, रटे होने चाहिए, प्रिपेयर क्या रटे ही होने चाहिए, फिर चौथी बात क्वेश्चन को करने का टेम्पलेट होता है कि कोई क्वेश्चन के पॉजिटिव भी लिखना है नेगेटिव भी लिखना है वे फॉरवर्ड लिखना है, तो टेम्पलेट बना होना चाहिए, मतलब हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि 1 डायमेंशन आंसर लिखना है, मैप्स को यूज करना, डायग्राम्स को यूज करना, फ्लो चार्ट्स को यूज करना, एग्जांपल्स को यूज करना, केस स्टडीज को कोट करना, आर्टिकल्स कोट करना, अपने जजमेंट्स कोट करना, तो ये सब आप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा नंबर भी फायदा होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाता है इससे। सर आपका ऑप्शन क्या था? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ऑप्शन था सर, मैं सोशियोलॉजी के बारे में, क्या आपकी GS के जो पेपर से मेंस में GS 1, 2, 3, 4 और सोशियोलॉजी ऑप्शनल सेम स्ट्रेटजी थी या कुछ बदलाव किया था आपने स्ट्रेटजी में, आंसर राइटिंग में, कुछ फॉर्मेट वगैरह में? नहीं सेम ही स्ट्रेटजी थी सोशियोलॉजी में, बस क्या होता है कि आपको सोशियोलॉजी के लिए आंसर लिखने हैं, थिंकर्स कोट करने हैं, वो मस्ट हो जाता है, एग्जाम्पल्स कोट कोट करना मस्ट हो जाता है, तो वो आपको करना होते हैं, प्लस सोशियोलॉजी में कंटेंट GS के पेपर में यह था कि पेपर को कंप्लीट करना वो ज़्यादा वो था, सोशियोलॉजी में भी यही था बट सोशियोलॉजी में मैंने कंटेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, GS में क्या होता है कभी अगर आपको हर क्वेश्चन के बारे में कंटेंट नहीं पता होता तो आप थोड़ा उसमें नेमसेक भी लिखते हो, वैसे ऐसा कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक आधी क्वेश्चन था जो नहीं आता था बाकी तो आते ही थे पूरे, लेकिन स्ट्रेटजी सेम ही थी, बस सोशियोलॉजी में थोड़ा आपको ज़्यादा कंसेप्चुलाइज करना पड़ता है उसका आंसर, आपको ज़्यादा थिंकर्स कोट करने पड़ते हैं, आपको उसके और पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, 1, 2 नहीं 3 से 4 पैरामीटर, बिकॉज 20 नंबर का सवाल है तो 4 से 5 आपको उसके सब पार्ट बनाने पड़ते हैं, तो यही स्ट्रेटेजी थी उसमें भी। एंड सर क्या
रैंक सुधारने के लिए अब की बार बैठ रहे हैं एग्जाम में, क्या आगे का प्लान क्या है? बिल्कुल बैठ रहे हैं इस बार एग्जाम में, रैंक सुधारना बहुत जरूरी है, तो इसलिए बिल्कुल बैठ रहे हैं। और आप लोगों की सबकी दुआएं और आशीर्वाद की हमें आज भी पड़ेगी और बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। जी जी सर, हमारी दुआ हमेशा रहेगी। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और हम उम्मीद करते हैं सर जब नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आए तो आप टॉप 10 में आपका लिस्ट में नाम आए आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम यही दुआ करेंगे और फिर एक बार फिर आपके साथ बैठने का मौका मिलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर।